स्टूडेंट्स वेलकम टू एडीनगर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम। मैं आपको यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक का नाम यहां पे मैं देखेंगे आप देखेंगे ऑटो साइकिल। तो टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटो साइकिल। तो आप ऑटो साइकिल पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए यहां पे लिखता हूं मैं ऑटो साइकिल, दिख रहा होगा आपको यहां पे ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल ये ऑटो नहीं है, ऑटो है OTTO ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ऑटो साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए पहले आप पीवी डायग्राम देखेंगे ऑटो साइकिल का। देखिए यहाँ पर ये हमारा पीवी डायग्राम है, यहाँ पर देखिए ये पीवी डायग्राम देखता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर को आपको वर्टिकल में लेना है और वॉल्यूम को आपको हॉरिजॉन्टल में लेना है। प्रेशर को आपको वर्टिकल में लेना है, वॉल्यूम को आपको हॉरिजॉन्टल में लेना है। वी है ये वॉल्यूम को लिखा है मैंने। अब यहाँ पे मैं साइकिल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ऑटो साइकिल है तो ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मार होता है। इसकी प्रोसेस मैं आपको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, प्रोसेस देखेंगे आप। तो ये प्रोसेस देखिए, प्रोसेस आप देखते जाइए। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो ये दोनों लाइन ये कर्व है, लाइन नहीं ये कर्व है, कर्व रहेंगी। 1 से 2 प्रोसेस का जो नाम है वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन 1 से 2 प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये 1 से 2 प्रोसेस है, इसका नाम है एडियाबेटिक कंप्रेशन। और यहाँ पे 2 से 3 प्रोसेस देखेंगे, इस प्रोसेस का नाम है हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। 1 से 2 प्रोसेस है हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैं साइकिल में आपको बता रहा हूँ, देखिए जब 1 से 2 प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन है, क्योंकि ये बुकों में यहीं से स्टार्ट होती है साइकिल, लेकिन साइकिल एक्चुअली पहले स्टार्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ का सक्शन पहले हो जाता है। ये सक्शन है 0 से 1, अगर आप देखेंगे 0 से 1 देखेंगे अगर आप, ये 0 से 1 देख रहा होगा, इसको आप बोलते हैं सक्शन। सक्शन का मतलब क्या है, सक्शन का मैं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर लूँ, सक्शन का मतलब है कि जब इनलेट वाल्व ओपन होगा और पेट्रोल इंजन में एयरो फ्यूल का मिक्सचर उसके अंदर जाएगा। सक्शन में जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो एयरो फ्यूल का जो मिक्सचर है वो 0 से 1 प्रोसेस में अंदर आ चुका है, इसको सक्शन बोलते हैं। 0 से 1 प्रोसेस में जो एयरो फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर आ गया है, इसको आप बोले हैं सक्शन। क्या बोले इसको आप, सक्शन। अब इसके बाद फिर सक्शन के बाद आप देखेंगे, सक्शन के बाद फिर दूसरी जो प्रोसेस है 1 से 2, इस प्रोसेस का नाम है कंप्रेशन, या पूरी प्रोसेस का जो नाम होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्या नाम होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसका जो नाम है वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन। फिर यहाँ पे कंप्रेशन होगा, मतलब सक्शन हो चुका था, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ चुकी है, अब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगी। तो 1 से 2 प्रोसेस में होगा यहाँ पर कंप्रेशन। फिर 2 से 3 प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है, 2 से 3 प्रोसेस में हो रहा है हीट एडिशन। तो हीट एडिशन किस कंडीशन में हो रहा है, हीट एडिशन यहाँ पर हो रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में। किस कंडीशन में, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप डॉटर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखेंगे तो V2 इक्वल टू है V3, मतलब 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट है। 2 पॉइंट पे जितना वॉल्यूम है 3 पॉइंट पे भी उतना ही वॉल्यूम होगा, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा V3। और फिर 3-4 प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। देखिए एडियाबेटिक का मतलब क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मतलब होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मतलब होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक अगर कोई प्रोसेस है तो उसे आइसेंट्रोपिक होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो एडियाबेटिक का मतलब है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक। तो यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, 3-4 प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन आप जानते हैं कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है तो उसको एक्सपेंशन स्ट्रोक बोल देते हैं, दोनों वाल्व यहाँ पे भी बंद रहते हैं, इसको आप पावर स्ट्रोक के नाम भी जानते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो 3-4 प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्या है 3-4 प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसके बाद फिर 4-1 प्रोसेस है, ये है हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हीट रिजेक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम जो है वो है कॉन्स्टेंट, तो हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, इसका नाम है हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्या नाम है इसका, 4-1 प्रोसेस का हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फिर से देख लीजिए 0 से 1 प्रोसेस में सक्शन हुआ था,
जीरो से वन प्रोसेस ऑफ सक्शन हुआ था। ये कई बुकों में बना नहीं होता है, जीरो से वन प्रोसेस नहीं रहती है, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए ये भी बता दिया, लेकिन आप वन से टू साइकिल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। वन से टू एडियाबेटिक कंप्रेशन है, टू से थ्री हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, चूंकि ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होता है। और थ्री फोर प्रोसेस में एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। और फोर वन प्रोसेस है हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब इसका मैं टी एस डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसी के मैं आपको टी एस डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको टी एस डायग्राम, देखिए यहाँ टी एस का मतलब होता है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, दिख रहा होगा आपको। हाँ, टी एस मतलब होता है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। देखिए ये टी एस डायग्राम मैं बना रहा हूँ। टी एस डायग्राम में ये टेम्परेचर वर्टिकल में लिया आपने, हॉरिजॉन्टल में आपने एंट्रोपी ली है, तो टी एस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए टी एस डायग्राम में वन से टू प्रोसेस, फिर टू से थ्री प्रोसेस, थ्री से फोर, और ये फोर से वन, वन टू थ्री फोर। देखिए वन से टू प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन, वन से टू प्रोसेस जो यहाँ पे थी वन से टू एडियाबेटिक कंप्रेशन, यहाँ पे भी है वन से टू एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब ये वन से टू प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एडियाबेटिक कंप्रेशन। वन से टू प्रोसेस जो दिख रही है ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन, और टू से थ्री प्रोसेस है हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो कि आपने पहले देखा है हीट एडिशन टू से थ्री, यहाँ पे भी हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम था, लेकिन ये टी एस डायग्राम है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। और यहाँ पे फोर वन थ्री फोर प्रोसेस है यह एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस है ये, एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पर, ये भी वर्टिकल लाइन है। और फोर वन प्रोसेस है हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये अब देखिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अब इसको फिर से आपको देखिए, मैंने अभी बताया था वन से टू प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक का मतलब होता है आइसेंट्रॉपिक, एडियाबेटिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आप आइसेंट्रॉपिक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन से टू प्रोसेस एडियाबेटिक, तो यहाँ टी एस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस जो होगी वो आइसेंट्रॉपिक होगी। मतलब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो आपको देखेंगे एस वन इक्वल टू एस टू, मतलब वन पॉइंट पर जितनी एंट्रोपी होगी उतनी ही टू पॉइंट पर होगी, वन पॉइंट पर जितनी एंट्रोपी होगी वन पॉइंट पर एंट्रोपी, टू पॉइंट पर एंट्रोपी होगी वो दोनों सेम होगी। एंट्रोपी होती डिग्री ऑफ रैंडमनेस या कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। फिर से देख लीजिए डिग्री ऑफ रैंडमनेस उसको आप एंट्रोपी बोलते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क इसको भी आप एंट्रोपी बोलते हैं। तो देखिए वन से टू प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन है, मतलब कंप्रेशन तो हो रहा लेकिन एडियाबेटिकली कंडीशन में, तो एस वन इक्वल टू एस टू परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एस वन इक्वल टू एस टू, वन पॉइंट पर जितनी एंट्रोपी है टू पॉइंट पर भी उतनी एंट्रोपी होगी, तो एस वन इक्वल टू एस टू। फिर ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन है, मतलब टू थ्री प्रोसेस थी हीट एडिशन हो रहा है, हीट एडिशन को आप ऐसे क्यू एस हीट सप्लाइड क्यू एस लिख देते हैं, और हीट रिजेक्शन को आप लिखना है तो आप क्यू आर लिख देना है यहाँ पर, क्यू आर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो टू से थ्री प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है लेकिन किस कंडीशन में हो रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ध्यान रखना है ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल पे जितने भी पेट्रोल इंजन है सभी ऑटो साइकिल वर्क करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है कार्बोरेटर की हेल्प से, कार्बोरेटर क्या करता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाता है वो सिलेंडर में फिर उसको भेजता है। तो पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है, लेकिन डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय ओनली एयर अंदर जाती है। तो यहाँ पे टू से थ्री प्रोसेस है ऑटो साइकिल में, ये हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, हीट एडिशन तो हो रही है लेकिन किस कंडीशन में हो रही है, हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में। फिर थ्री फोर प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक एक्सपेंशन अभी मैंने बताया था रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आप आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, मतलब एस थ्री इक्वल टू होगा एस फोर, थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट पर जो एंट्रोपी होगी वो सेम होगी, तो एस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एस फोर, मतलब एस थ्री इक्वल टू हो जाएगा एस फोर। तो इसका मतलब है कि एडियाबेटिक थ्री फोर प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट पर एंट्रोपी क्या रहेगी सेम रहेगी, तो एक्सपेंशन प्रोसेस होगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और फोर वन प्रोसेस है ये हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, फोर वन प्रोसेस जो है ये हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के स्लोप एक जैसे रहती है।
तो ये ऑटो साइकिल थी। वर्किंग में आप, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, चार स्ट्रोक होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। यहाँ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की अगर बात करें तो चार स्ट्रोक वहां पर रहेंगे। बस आपको मेन डिफरेंस ध्यान रखना कि फोर स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है, और एयर और फ्यूल के मिक्सचर बनाता कौन है? पेट्रोल एयर का मिक्सचर। हाँ, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जो बनाता है उसे बोलते हैं कार्बोरेटर। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोरेटर। एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो बनाता है उसको आप बोलते हैं कार्बोरेटर। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोरेटर। तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर बनाएगा उसे आप कार्बोरेटर मिलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बोलते क्या है? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं चार्ज। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बोलते हैं चार्ज। चार्ज बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, एयर फ्यूल के मिक्सचर को बोला जाता है चार्ज। ये आपको ध्यान रखना। और फिर इसमें कंप्रेशन रेशियो की हम बात कर लें तो कंप्रेशन रेशियो की जो वैल्यू है इसमें पेट्रोल इंजन में वो 6 से लेकर 12 के बीच में रहती है। 6 से लेकर 12 के बीच में कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू होती है। और कंप्रेशन रेशियो आपने पढ़ा हुआ है, कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो। ये इसमें ध्यान रखना कि कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल के लिए 6 से लेकर 12 के बीच में लाई करता। कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू हर बुकों में डिफरेंट मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना मिलेगी कि कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन की केस में 6 से लेकर 12 के बीच में लाई करती है। और कंप्रेशन रेशियो को हम R से लिखते हैं। R इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और अपॉन VC मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम। VS स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं VC, VS को, इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, इसी को सेट वॉल्यूम बोला जाता है, VC को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूँ, सिलेंडर हेड और TDC के बीच में जो वॉल्यूम होता है उसे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। सिलेंडर हेड और TDC के बीच में जो वॉल्यूम होता है उसे आप क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। और TDC और BDC के बीच में जो पिस्टन वॉल्यूम को स्वेप्ट करती है, बिटवीन TDC एंड BDC जो पिस्टन वॉल्यूम को स्वेप्ट करती है उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो टोटल सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? VS प्लस VC, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम के सम के बराबर। दोनों का सम कर देंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्लियरेंस वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन है इसके लिए कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 6 से लेकर 12 के बीच में लाई करती है। कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 6 से लेकर 12 के बीच में लाई करती है फॉर पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन के केस में। और ऑटो साइकिल जितने भी पेट्रोल इंजन में, चाहे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो चाहे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो, सभी पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर ही वर्क करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, सभी पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर वर्क करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।